तो दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए रिव्यू आफ्टर 3 मंथ। तो 3 मंथ के बाद कैसा एक्सपीरियंस है मेरा लीडर साइकिल के ऊपर और किस तरीके से, मैं थोड़ा पीछे आ जाता हूँ तो आप साइकिल पूरी तरीके से देख पाएंगे। तो यहाँ पे बात करी जाए तो मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें यूज़ भी कर रखी हैं। बात करी जाए तो लाइट इंडिकेटर, मोबाइल होल्डर और एक्शन कैमरा लगा रखा है। आपको साइकिल का लॉक फ्रंट देखने के लिए मिल जाता है, मतलब जो चीज़ चाहिए वो चीज़ साइकिल में देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो बोतल देखने के लिए मिल जाती है, पानी की, मॉडी कार्ड साथ में नहीं आते तो वो भी हमने ले रखे थे, तो उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। आप सबका बहुत प्यार मिला वहाँ पर और रेगुलर आप सब ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे कि कैसा है इसका रिव्यू आफ्टर 3 मंथ। तो मैं बात करूं, बस सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम पड़ती है ना वो पड़ती है हवा की। तो इसके लिए आपको एटलीस्ट ये छोटा सा पंप अपने साथ, मतलब 24 घंटे रखना नहीं पड़ता, लेकिन आपको मतलब 10-15 दिन के बाद हवा डालनी पड़ती है। मुझे जो रियलाइज़ हुआ, थोड़ी सी हवा का इशू रहता है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रहता कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो। तो इसलिए ये छोटा सा पंप है, इसकी इंडिविजुअल वीडियो ये जैसी ये ख़त्म होगी तो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और दूसरी, जब हमने ख़रीदा था किस तरीके से इंस्टॉलेशन किया था, क्या रिव्यू था, वो भी, तो मतलब दोनों ही वीडियो आपको कार्ड पर लगी भी मिल जाएंगी। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा काम किए, मात्र 144 रुपये का, कैसे ख़रीदा, किस तरीके से और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है वो सब कुछ। छोटा सा पंप है, मतलब आप समझ सकते हैं साइज़ गद्दी का इतना सही है, मतलब अराउंड 7 से 8 इंच का ये पंप है। अब चलते हैं थोड़ी सी और ज़्यादा डिटेल में, क्योंकि आज हम छत पे वीडियो बना रहे हैं तो सोचा आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल सके। तो सबसे पहले टायर का परफॉर्मेंस क्या है, 3 महीने के बाद बहुत ज़्यादा कैसा रफ़ एंड टफ़ वाला सीन है। तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई टायर से रिलेटेड, ना पिंचर ना कुछ। और जो टायर की क्वालिटी है रियली मुझे अपनी सिटी के अंदर नहीं मिल सकती थी इसमें की, एक तो वो था। तो टायर बहुत ज़्यादा अच्छे है। फिर आता है इसका जो रिम है वो, कि किस तरीके से क्वालिटी देखने के लिए मिलती है, वो भी एक अच्छी क्वालिटी में है। और गियर बॉक्स सबसे ज़्यादा इशू वाली चीज़ कि गियर चेंज करते हुए गियर, तो मैं बात करूँ क्योंकि शुरू में आप बहुत ज़्यादा गियर चेंज करते हैं तो अराउंड कभी कभार 2 या 3 गेरी में यूज़ करता हूँ, टोटल 7 गेयर कभी यूज़ नहीं करता 3 महीने में। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा मूड हुआ कि एक बार गेयर को चेंज कर लिया जाए ऑयल वॉयल डालने के चक्कर में, तो गेयर को चेंज करता हूँ, नहीं तो मैक्सिमम गेयर जो है आपको यही देखने के लिए मिलते हैं। फिर सेकेंड डिस्क ब्रेक, क्योंकि आपको डिस्क ब्रेक भी दिखाई देंगे ये एंड फ्रंट में, दोनों ही हमने डिस्क ब्रेक खरीदे। क्या डिस्क ब्रेक का परफॉर्मेंस डाउन हुआ, तब मैं यूज़ कर रहा था तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई डिस्क ब्रेक में। आज मैनुअल लेके आया हूँ, वो डिब्बा खोल के देख रहा था तब मुझे दिखा कि इसमें वैसे सारी सेटिंग दे रखी है एक्चुअली, आपको किस तरीके से क्या क्या करना है। और इसमें आपकी वारंटी भी, मतलब बात करी जाए तो इस QR कोड, आप शायद दिख रहा हो तो QR कोड में ये है फैसिलिटी कि आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट को अपने नाम पे, जिसमें कि आपको फैसिलिटी मिलती है। ऊपर से ग्रिपिंग की, क्या इसमें मतलब कोई चीज़ इन 3 महीनों में चेंज करने की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। बात करी जाए तो आप लुक भी देख सकते हैं, ब्लैक ही मंगाया था तो इसलिए शाइन बनी रहती है। और बात करी जाए तो गियर सिस्टम की, या मैं बात करूँ स्पेशली क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की, रियली मुझे, मैं लोकल ब्रांड में ख़रीदता तो मुझे नहीं मिल पाती वो चीज़ें जो कि मुझे इसमें मिल गई। अब यहाँ पे मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ एक्चुअली साइकिल का कि मैं स्पेशल प्रमोशन करूँ, लेकिन यह है कि जो मेरा एक्चुअल फीडबैक है वहाँ पे, मैं बात करूँ कि इन 3 महीनों में सबसे ज़्यादा मुझे किस चीज़ ने तंग किया, तो एक्चुअली बस मेरे कमर के दर्द ने मुझे तंग किया है, बाकी किसी चीज़ ने तंग नहीं किया। क्योंकि वहाँ पर दिक्कत ये थी कि मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी स्पाइनल में, तो वहाँ पे यूज़ करने में थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन इंडिविजुअल साइकिल की तरफ से रिव्यू की बात करूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे बात करी जाए तो ऑयलिंग को लेके थोड़ा सा रहता है कि आपको ऑयल बना के रखना पड़ेगा, कोई भी मैकेनिकल चीज़ है जिसमें कि ऑयल का काम हो सकता है तो आपको ऑयल डाल के रखना चाहिए, तो वहाँ पे आपको परफॉर्मेंस जो है एक लॉन्ग लाइफ मिलता रहता है। बात करी जाए तो शॉकर की, क्या मुझे कोई प्रॉब्लम रही, अभी तक भी फर्स्ट क्लास वर्क करते रहे, कि साफ़ सफाई थोड़ी सी मेनटेन करके रखना चाहिए, गंदी बिल्कुल नहीं रखना चाहिए साइकिल को, तब आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं तो उस कंडीशन में अच्छा है। टोटल मिला के मैं बात करूँ, अभी आप देखेंगे सबसे छोटा पंप लिया है, बिल्कुल टाइट रखता हूँ मैं हवा, नहीं तो फिर मुझे बार बार मार्केट जाना पड़ता था हवा डलवाने, वो मतलब एक इशू हवा का ही है बस मुझे इसमें, बाकी कोई नहीं है। और हवा का भी इशू रेगुलर नहीं होगा एज कंपैरिजन में बात करूं नॉर्मल साइकिल के, पिंचर विंचर कुछ नहीं हुआ, फर्स्ट क्लास चल रही है। तो ये कुछ फैसिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। 3 महीने के बाद भी मेरा वही परफॉर्मेंस, मतलब जिस एक्सपेक्टेशन से मैंने खरीदी थी कि मैं ऑनलाइन खरीदूंगा तो मुझे बेहतर क्वालिटी की मिलेगी, क्योंकि तब आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग से खरीदते हैं, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हैं तभी आपको एक अच्छी क्वालिटी में देखने के लिए मिलता है, लेकिन वही कंडीशन आती है कि आप थोड़ा अपना बजट में जाते हैं तो वो अपने पैसे बचाने के चक्कर में, बात की जाए तो शॉपकीपर
वो आपको घटिया से घटिया प्रोडक्ट देता है। लेकिन यहाँ पे अभी मैं बात करूँ प्राइस की, तो मैंने तो इसे 8000 रुपये में ख़रीदा था, बट अभी बिग बिलियंस डे चल रहे हैं क्योंकि 3 महीने के बाद बना रहा हूँ, तो नियरेस्ट दिवाली, तो यहाँ पे बात करी जाए तो ये आपको 7000 रुपये की पड़ती है, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है ICICI बैंक का तो वहाँ पे 700 रुपये और कम, मतलब अराउंड ये आपको 6200 रुपये की पड़ जाती है। तो इससे ज़्यादा सस्ती अच्छी डील नहीं हो सकती मेरे हिसाब से कि 6200 रुपये की, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं सारे ऑफर सब कुछ डिटेल। तो ये कुछ चीज़ें इस साइकिल के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। रियली बहुत अच्छा ऑसम एक्सपीरियंस था कि 3 महीने के बाद भी क्या क्वालिटी में कुछ फ़र्क आया, तो बिल्कुल कुछ फ़र्क नहीं आया। आप रेगुलर यूज़ कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि हाँ मुझे एक ऐसी ड्यूरेबल मतलब लॉन्ग ड्यूरेबल साइकिल चाहिए जिससे कि मेरा परफॉर्मेंस और मैं रेगुलर यूज़ कर पाऊँ, तो वो सब कुछ आपको फैसिलिटी मिलती है। तो आज का रिव्यू यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी आपकी कोई भी मतलब बात की जाए तो लगता है क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट में या इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर भी दिया है तो वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं हमें। ये वीडियो आपको अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा रेगुलर अपडेट के लिए। धन्यवाद।